नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में फ्रेंड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो मैं यहां पे आपसे डिस्कस करूंगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स, जो भी आपके यूपीएससी पीसीएस के एग्जाम्स है। देखिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी सारे फैक्ट्स यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे, और प्लस जो लोग अपने स्कूल वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो उतने ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि हमको समझना है बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है। तो अगर बच्चों के संदर्भ में देखें, बच्चों को जिन पिक्चरों से सिखाया जाता है कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, तो आपको दिख रहा है एक घर है, इसके ऊपर पानी बरस रहा है, इसके रूप से पानी यहाँ से इकट्ठा हुआ इस टैंक में, इस टैंक को आप बाद में पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, यहाँ नल लगा हुआ है, पानी भर रहा है बाल्टी में, उस बाल्टी के पानी को आप अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा हाईटेक तरीके से अगर दिखाया जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, तो आपको ये छत नजर आ रही है, ठीक है ना। इस छत का कुछ ऐसा है लेआउट कि पानी जाके इस टैंक में जमा होगा और फिर इस टैंक से हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखिए, इस पानी से टैंक यहाँ पे आपके कमोड तक पहुंच रहा है वॉशरूम में, फिर यही पानी आपका कार वॉश तक पहुंच रहा है, आपके गार्डन में पहुंच रहा है, आप पौधों को सींच सकते हो, गार्डन में यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यहाँ से निकाल सकते हो, फिर और यहाँ पे पंप में भेज रहे हो, इस पंप से आप अपने ग्राउंड वाटर के एक्वीफायर को रिचार्ज भी कर सकते हो। यानी इस पंप के थ्रू इस रेन वाटर को आप सीधे अंडरग्राउंड भी भेज सकते हो। तो जरूरत के हिसाब से आपने बरसते हुए पानी का इस्तेमाल भी किया और बचे हुए पानी को आपने अंडरग्राउंड भेज दिया ग्राउंड वाटर एक्वीफायर को रिचार्ज करने के लिए। यहाँ पे देखिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है उसमें कुछ इस तरीके का होता है कि इसको आप अंडरग्राउंड वाटर भी बोल सकते हो और इसको आप ये बोल सकते हो कि कुछ लोग क्या करते हैं कि पानी को जमीन खोद के एक अंदर एक टैंक बनवा देते हैं जहां पे ज्यादा पानी बरसता है, ठीक, जिन कंट्रीज में। और ऑब्वियस बात है, जब पानी बरसेगा तो उस टैंक को भर दिया जाएगा इस ट्यूब के थ्रू, और बाद में जब पानी कम होगा तो एक छोटा सा पंप यहाँ पे लगा के जो भी आपके ग्राउंड्स वगैरह हैं और जो बाकी काम है उनके लिए पानी को इसी अंडरग्राउंड टैंक से निकाल के सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक तरीके का अंडरग्राउंड टैंक ही बनवा दिया, इसको यहाँ पे आप ग्राउंड वाटर की तरह भी डिपेक्ट कर सकते हो। और कुछ कंट्रीज में इस तरीके के टैंक थोड़े बहुत ग्राउंड को खोद के बनवा दिए जाते हैं स्पेसिफिकली किस पर्पज से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पर्पज से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत अलग अलग तरीके दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिया में कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रेंड्स, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इंडिया में किस किस तरीके के रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है, दो स्लाइड्स ऐसी होंगी जिनको मैं आपसे बोलूंगा कि आप उनको रट लो बाय हार्ट, क्योंकि उनको आपको एग्जाम में कोट करना पड़ेगा, ऐसे में या कहीं पे भी आप कोट कर सकते हो किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, तो ये है क्या, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम सर्फेसिस ऑन विच रेन फॉल्स, फिर उसके बाद फिल्टर करेंगे इसको और स्टोर करेंगे मल्टीपल पर्पजेस के लिए। फिल्टर कर रहे हैं, प्योरीफाई नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा इस बात, ठीक है। उसके बाद रेन हार्वेस्टेड वाटर को किन किन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को आपको समझना। तो गार्डन इरिगेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्रॉप इरिगेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो जानवर होते हैं उनको पानी पिलाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लॉन्ड्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आपके टॉयलेट में जो कमोड्स होता है उसकी फ्लशिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आप हार्वेस्टेड रेन वाटर को नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने बाथरूम सिंक में या किचन के सिंक में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए रेन वाटर फिट नहीं है। हम यहीं पे आप बोलोगे कि भाई अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है तो आप लाइफ स्टॉक को ये पानी क्यों पिला रहे हो। तो देखिए, लाइफ स्टॉक की जहां तक बात है फ्रेंड्स, ठीक है, उनका रेजिस्टेंस सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है, और आपने देखा है जो कैटल वगैरह होते हैं वो तो वैसे भी नाले का पानी और रिवर्स का पानी भी कंप्लीटली फिट फॉर कंजम्पशन नहीं होता है, तो इस तरीके के बाहर के पानी के सोर्सेस से पानी पीते हैं। तो देखिए, रेन वाटर एक लाइफ स्टॉक को पिलाने से कितना लाइफ स्टॉक को नुकसान है, इस बात पे काफी सारा डिस्कशन तो हुआ है, बट बहुत ज्यादा इस चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया है। फिलहाल के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो पानी आ रहा है उसको लाइफ स्टॉक को पिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ह्यूमंस के लिए फिट फॉर कंजम्पशन नहीं माना जाता इस पानी को। आगे देखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक चीज में बहुत अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव है, इसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। क्यों मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा प्योरीफाई करने की जरूरत नहीं है। प्योरीफाई करने की क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि ये ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्ट ह्यूमन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए इंस्टॉलेशन ऑफ प्योरिफिकेशन सिस्टम्स की जरूरत नहीं है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। इस तरीके की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि कार धुलने के लिए इस्तेमाल हो रहा, तो कार को आप प्योरीफाइड वाटर से धुल ना धुलोगे, उस तरीके से गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसलिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक ठाक क्वालिटी ऑफ वाटर मिल जाता है जिस तरीके से उनका काम है, और वेल्स पे डिपेंडेंस घट जाती है। गांव साइड के इलाकों में आप देखोगे फ्रेंड्स कि लोग वेल पे, कुओं पे बहुत डिपेंडेंट होता है, कुओं से पीने वाला पानी मिलता है उनको, ठीक है ना।
अब कुओं से जो पानी मिलेगा उसको पीने के लिए नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी जो भी पानी है बाथरूम का इरिगेशन का वो आप रेन वाटर से ले सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू ले सकते हो, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर सरप्लस रेन वाटर को आप आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक्स के थ्रू ग्राउंड वाटर एक्वीफायर को भी रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे कि इस फोटो में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नजर आया पानी जो भी एक्सेस है वो इस पंप के थ्रू इस डब्बे में डालकर नीचे भेज, परकोलेशन टैंक बनाए जाते हैं, परकोलेशन टैंक भी एक तरीका है अंडरग्राउंड रिचार्ज के लिए, और भी बहुत से तरीके हैं। तो इससे यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे की तरफ अंडरग्राउंड वाटर में फिर से इस पानी को भेज दिया गया, समझे। तो जो सबमर्सिबल पंप लगाए जाते हैं ना, उस सबमर्सिबल पंप से आप अंडरग्राउंड वाटर बाहर खींच सकते हो, लेकिन कुछ मैकेनिज्म के थ्रू इसी रेन वाटर को आप वापस अंडरग्राउंड एक्वीफायर में भेज के उनको रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत पोटेंट तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप अपने अंडरग्राउंड जो वेल्स हैं उनको रिचार्ज रख सकते हो, ताकि वो खत्म ना हो बहुत और आगे सालों तक चले। क्या होता है कि जब जो बिल्डिंग्स जिसमें ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगे होते हैं उनके ऊपर एक कैचमेंट एरिया होता है रूफ टॉप पे, जो काफी सारा पानी कलेक्ट कर सकता है, मान लीजिए रेन आती है या रेन स्टॉर्म्स आती है। लेकिन क्या होता है कि जब बिल्डिंग्स बनाई जाती है तब उस तरीके के कैचमेंट एरियाज को पहले लगाया जाता है, तो एक बार आपका कह सकते हैं कि खर्चा आएगा इस चीज को सेटअप करने में, लेकिन बाद में उसके फायदे बहुत है। अब और कुछ फायदे देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। एक फायदा तो ये कि भाई सॉयल इरोजन कम हो जाता है, जब रेन वाटर गिरेगा और रेन वाटर को आप कैप्चर करके स्टोर कर लोगे तो वो सेव हो गया, अगर आप उसको स्टोर ना करते तो वो बह जाता, बहता तो वो स्टॉर्म वाटर की तरह बहता, ठीक है, अर्बन फ्लडिंग भी ला सकता था, सॉइल इरोजन भी ला सकता था, क्योंकि अगर जमीन पे मिट्टी पे जरूरत से ज्यादा पानी बहेगा तो मिट्टी बहा के ले ही जाएगा ना, सॉइल बहा के ले ही जाएगा। तो अगर पानी को आप एफिशियंटली स्टोर कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका सॉइल इरोजन कम होगा, ये एक फैक्टर है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर को कलेक्ट कर सकते हो, तो जब लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कलेक्ट कर लोगे तो ड्रॉट के समय पे, सूखे के समय पे वही पानी काम आएगा, सूखे के समय पे जब वही पानी काम आएगा तो ऑब्वियसली बात है ड्रॉट का इफेक्ट आपको कम महसूस होगा। खासकर इंडिया जैसे देश में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको पता है इंडिया जैसे देश में लगभग 80% से भी ज्यादा, इनफैक्ट 90% से भी ज्यादा मानसून रेनफॉल से पानी मिलता है। अगर ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है तो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आके स्ट्राइक करता है, जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन गर्मी के टाइम पे ऊपर की तरफ खिसक जाती है तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो राइट घूम जाती है कोरियालिस फोर्स की वजह से और वेस्ट कोस्ट पे स्ट्राइक करती है केरला कर्नाटका महाराष्ट्र गुजरात में और काफी सारा पानी बरसता है। और एक इसकी ब्रांच जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है वो इस इलाके में जहां पे आपका वेस्ट बंगाल है उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे भी बारिश कराता है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इस जगहों पे भी बारिश होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझिए कि ये जो कुछ इलाके हैं केरला कर्नाटका खासकर इनके कोस्टल एरियाज महाराष्ट्र गुजरात, इनमें कुछ जगह पे बहुत ज्यादा पानी बरसता है और वो पानी केवल 2 से 3 महीनों के लिए बरसता है, जून जुलाई अगस्त मैक्सिमम, मई के एंड से लेके जून जुलाई अगस्त तक में ही बरसेगा यहाँ पे पानी और उसके बाद पूरे साल नहीं बरसेगा। तो बेटर ये है ना कि यहाँ पे एक अच्छे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए ताकि उस समय पानी स्टोर किया जा सके और कई महीने आगे तक उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक लॉजिक है। अब वही चीज है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ पे कितनी आप कर सकते हो डिपेंड करता है कि वहां पे लोकल टोपोलॉजी कैसे, जैसे कि अगर आप यूपी सेंट्रल यूपी में चले जाए तो सेंट्रल यूपी में जो कानपुर, ठीक है, और जो आपका ये लखनऊ जैसे इलाके हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, हालांकि पूरा सेंट्रल यूपी में नहीं आते, इन जगहों पर पानी बहुत कम बरसता है, ज्यादा नहीं बरसता, बरसता है बट फिर भी कम बरसता है, तो वहां पर लोग सोचेंगे कि भाई बहुत ही कम पानी बरस रहा है, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर कौन लगाए। वहीं पे मुंबई जैसे शहर में आप देखोगे जब पानी बरसता है ना, इतना ज्यादा बरसता है कि आपको लगेगा कि यार पानी का वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मुंबई जैसे सिटीज में अच्छे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए, लेकिन मुंबई में लोग रहते ही ऐसे हैं कि भाई 1 BHK वन रूम RK के सेट्स में रह रहे हैं, एक बड़ी सी बिल्डिंग में 100-100 फ्लैट्स हैं, तो जब तक पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बन नहीं सकते। तो मुंबई जैसे शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा पैसों का सपोर्ट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया जैसी कंट्री में कितनी सक्सेसफुल होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि लोकल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट कितना है लोगों का, कितनी अवेयरनेस है लोगों में, ठीक है। हालांकि इंडिया में तो अभी तो बात यह है कि क्योंकि पानी वानी का बिल तो आता नहीं है, तो पानी वानी का बिल ज्यादातर जगहों पर आता नहीं, तो लोग पानी को एक फ्री की कमोडिटी मान के इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन पानी का बिल इलेक्ट्रिसिटी के बिल की तरह आने लगेगा हर जगह पे, उस दिन लोगों के भी दिमाग सही हो जाएंगे कि भैया पानी को ठीक से इस्तेमाल करो, फ्री नहीं है। फिर
जो रेन वाटर होता है वो ज्यादातर फ्री होता है हार्मफुल केमिकल से, इसलिए आप इसको इरिगेशन पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ समय पहले मैंने एक एसिड रेन पे वीडियो बनाई थी। एसिड रेन पे मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अगर जो पानी बरस रहा है उसमें एसिड्स ज्यादा है, ठीक है, वो HNO3 H2SO4 इनकी क्वांटिटी ज्यादा है और वो पॉल्यूशन की वजह से होती है, तो उस केस में सॉइल को नुकसान पहुंचा सकता है। इंडिया में देखिए एसिड रेन का फिनोमेना ज्यादा है नहीं, प्लस खास बात इंडिया की ये है कि इंडिया के जो सॉइल्स है ना वो एल्कलाइन नेचर के हैं, तो एल्कलाइन नेचर की होने की वजह से इंडिया के सॉइल्स की बफरिंग कैपेसिटी बहुत है, तो इसलिए एसिडिक रेन का इम्पैक्ट अभी इंडिया में बहुत ज्यादा है नहीं, प्लस इंडिया में एसिड रेन भी ज्यादा होती भी नहीं है, तो उस चीज को हम साइड रख सकते हैं। हालांकि एक पॉइंट आप लिख सकते हो दैट बिकॉज द सॉइल्स ऑफ इंडिया आर ऑफ एल्कलाइन नेचर, द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडियन सॉइल्स अगेंस्ट द इफेक्ट्स अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन इज क्वाइट हाई, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इस चीज को। फिर रेन का एक मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक और बेनिफिट बताया कि भैया देखिए एक्वीफायर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ग्राउंड वाटर लेवल्स को आप बढ़ा सकते हो काम के समय पे, और जब पानी नहीं होगा उस समय पे इसी ग्राउंड वाटर का प्रयोग आप अपने कामों में बाकी कामों में कर सकते हो। ग्राउंड वाटर को स्टोर करना बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसके इकोलॉजिकल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या होता है जब पानी बरसता है अगर आप ग्राउंड वाटर में उसको स्टोर कर दोगे तो फ्लडिंग नहीं होगी, फालतू का पानी इधर उधर बहेगा नहीं, और बाद में उसी पानी को आप रिसाइकिल कर सकते हो, ड्रेनेज सिस्टम्स को बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं तो, ठीक है। प्लस अंडरग्राउंड वाटर्स में अगर आप पानी को स्टोर करते हो तो आपको पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या था अगर मान लीजिए आप लैंड पे टैंक्स बनाते हैं या स्टोरेज वेल्स बनाते हैं तो आपको लैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, लेकिन अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सीधे सीधे पानी अंडरग्राउंड वाटर में भेज दे रहे हैं तो फिर आपके जमीन का प्रयोग तो हुआ ही नहीं, क्योंकि पानी तो सीधे सीधे अंडरग्राउंड वाटर में चला गया, और जब अंडरग्राउंड वाटर में पानी चला गया तो इवेपोरेशन और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम भी कम आएगी। प्लस जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जो बड़े बड़े कम्युनिटी लेवल्स पे चीजें काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, अब ये लोग क्या करते हैं कि इनकी जो डेली इनके यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स जाके रुकते हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो डेली बेसिस पे पानी का बड़ा भयंकर यूजेज होता है, तो ज्यादातर केसेस में ये होटल्स हॉस्पिटल्स क्या करते हैं पास के रिवर से पानी खींचते हैं। अगर यही होटल और हॉस्पिटल रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने लगेंगे तो अपनी बेकार की चीजों के लिए, जैसे कि बाथरूम में पानी की यूज के लिए, वो रेन वाटर का पानी यूज कर सकते हैं, तो रिवर से उनको पानी कम खींचना पड़ेगा, और जब रिवर से पानी कम खींचना पड़ेगा तो रिवर जल्दी ड्राई नहीं करेंगी। तो ये सब चीजें हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी वाली जो जगहें होती है ना, हॉस्पिटल्स होटल्स, इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। गुरुद्वारा इस तरीके की जगहें होती है वहां पे इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। फिर तो जो दो बेसिक हेड्स हैं जिनके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, जो ब्रॉड हेड्स कहूंगा मैं, एक है सर्वेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। वैसे दोनों मैं आपको बता चुका हूं, जैसा कि मैंने बताया सर्फेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग में कि आपने सर्फेस में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं कि जब भी रेन वाटर बहेगा वो कुछ क्रीक्स और स्ट्रीम्स के थ्रू होता हुआ रिजर्वॉयर्स तक पहुंच जाएगा। ये रिजर्वॉयर सरफेस में भी बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो साउथ इंडिया में टैंक्स आपको बहुत वाइड बेसिस पे मिल जाएंगे। साउथ इंडिया में कम्युनिटी टैंक्स बनाए जाते हैं और ये कम्युनिटी टैंक्स बहुत बड़े होते हैं, तो रेनफॉल के टाइम पे इसमें पानी स्टोर कर लिया जाता है और बाद में बहुत कई महीनों तक इन कम्युनिटी टैंक्स में लोग पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है जहां जहां पे लैंड की अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और जहां जहां पे पॉसिबल हुआ तो उसको अंडरग्राउंड डाल दिया। इसी पानी से आप फार्मिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैटल को पिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरल डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नहाने वगैरह के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीने के लिए नहीं करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बाथरूम में सॉरी किचन में बर्तन धुलने के लिए इस्तेमाल भी नहीं होता। वहीं पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बता दिया भाई कि एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है, पर्कुलेशन टैंक्स और कुछ और इक्विपमेंट्स को यूज करके आप सरफेस वाटर को ग्राउंड वाटर में पहुंचा सकते हैं, एक्वीफायर का रिचार्ज कर सकते हैं, और इसी एक्वीफायर को बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक्स हैं, वो मैंने ज्यादा जहां बताई नहीं है, काम भर की चीजें बता रखी हैं आपको यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया में भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग रीजन में कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वाली एक स्लाइड है फ्रेंड्स फर्स्ट, और ये वाली है सेकेंड। इन दो स्लाइड्स को बाय हार्ट आप रट लीजिए, एग्जाम्स में अगर कहीं पे एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज आपसे पूछी गई या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड चीजें पूछी गई तो अगर आप इनको कोट कर देते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो नंबर काफी अच्छे मिलेंगे। जैसे ट्रांस हिमालय रीजन में जिंक टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लद्दाख में जो मेल्टेड आइस होती है उसके पानी को कलेक्ट करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है यहाँ पे आप इस तरीके, क्योंकि लद्दाख में पानी तो बरसता नहीं है, ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करी, जो आइस है वो मेल्ट हुई उसी को आप उसके पानी को आपने इकट्ठा कर लिया, कैसे जिंक टैंक्स के।
तो ट्रांस हिमालयन रीजन में पानी को हार्वेस्ट करने का एक तरीका लद्दाख में क्या है, जिंक टैंक्स। लद्दाख में पानी बरसता नहीं, आपको पता है। फिर वेस्टर्न हिमालय रीजन में जो माउंटेन एरियाज है जम्मू और हिमाचल प्रदेश के, वहां पर कोल्ड वाटर चैनल्स का प्रयोग किया जाता है। उत्तरांचल उत्तराखंड में नौला, ये स्मॉल पॉन्ड्स है, इनका प्रयोग किया जाता है। फिर ईस्टर्न हिमालयस की नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन में आपातानी सिस्टम का प्रोड्यूस यूज किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में टेरेस्ट प्लॉट्स हैं जहां पे इनलेट और आउटलेट चैनल्स होते हैं पानी के। जाबो तरीका है कहां पे, इंपाउंडिंग रन ऑफ इन नागालैंड, नागालैंड में तरीका है जाबो पानी की हार्वेस्टिंग करने का। बैम्बो ड्रिप इरिगेशन, बैम्बू के नाम पे आपको समझ जाना चाहिए भैया, मेघालय जहां पे लिविंग रूट्स आ जाए बैम्बू आ जाए, ज्यादातर केसेस में मेघालय, हालांकि भैया इसको बिल्कुल डिफॉल्ट मत मार देना। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय में प्रयोग किया जाता है। क्या होता है कि स्ट्रीम्स का जो पानी होता है उसको बैम्बू पाइप्स के थ्रू वेजिटेशन तक लेके आया जाता है और ड्रिप इरिगेशन के थ्रू वेजिटेशन किया जाता है ताकि पानी भी ज्यादा वेस्ट ना हो, इरिगेशन भी प्रॉपर हो जाए और स्ट्रीम्स का भी प्रयोग हो जाए। फिर ब्रह्मपुत्र वैली में आसाम में कुछ पॉन्ड्स बनाए जाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको डोंग्स बोलते हैं। डुम्स और जमपुईस कहाँ बनाए जाते हैं, तो भाई जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल, छोटे छोटे इरिगेशन चैनल होते हैं जो पानी की स्ट्रीम्स को राइस फील्ड के साथ जोड़ते हैं। फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, दिघीज, ये दिघीज क्या है, स्मॉल स्क्वायर और सर्कुलर रिजर्वायर जिनको कैनाल्स के साथ फीड किया जाता है, कैनाल को फीड किया जाता है, दिल्ली की जो रिवर्स है उससे जो पानी आता है उससे फीड किया जाता है। बाउली, अग्रसेन की बाउली सुना होगा आपने, पीके मूवी अगर देखी हो, वो बाउली वही चीज है। बाउली क्या होता है, ये सेक्युलर स्ट्रक्चर्ड स्टेप वेल्स होते हैं जहां पे पानी से मतलब सीढ़ियों से नीचे उतर के आप जाओगे और वहां पे पानी होगा, उस पानी को आप नहाने के लिए कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बाउली होते हैं। ये सेक्युलर स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी स्टेप वेल्स होते हैं जहां पे हर कोई जाके पानी का इस्तेमाल करता है। थार डेजर्ट की बात करें तो ये कम्युनिटी वेल्स है राजस्थान में, इनको बाउरीज बेयर्स भी बोलते हैं। टंकास कहाँ पे होते हैं, तो अंडरग्राउंड टैंक है बीकानेर राजस्थान में। कुंड क्या है, ये एक सर्कुलर अंडरग्राउंड वेल है, सॉशर शेप्ड कैप्चमेंट एरिया है, सेंटर की तरफ जेंटली स्लोप करता है, जहां पे वेल होता है वहां से पानी निकाल के सब इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में जोहाद मिलते हैं, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिलेंगे, अर्दन चेक डैम्स होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू या फिर वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी को इस्तेमाल करने के जब पानी की कमी होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। आखिरी जो दो स्लाइड्स हैं रट लीजिएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यूपीएससी से परस्पेक्टिव जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे मैंने सब यहाँ पे कवर किए हैं। आपके कुछ थॉट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।